खाना को छोड़ के अभी इसलिए नंबर एक पे और इस तरह मस्ती का जाना उसके पास भी जो जाने का इतना जरूर दिया गया है। जो भी निकल रहे हैं ईदगाह से नमाज पढ़कर कब्रिस्तान की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ भी पानी का इंतजाम किया सर तमाम से बता दें फायदा होगा। पूरा वीडियो नाजरीन इस वक्त हम खड़े हुए कैनी रोड जदीद ईदगाह के करीब। ईद उल फित्र की नमाज अभी खत्म हुई है, मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। मुसलमानों की खुशियों में शामिल होने के लिए गुज़िश्ता 10 बरस से मौजूद पुलिकेश नगर के MLA आर अखंडर श्रीनिवास मूर्ति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजाते खुद यहां पर पहुंचकर वो मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। आइए अखंडर श्रीनिवास मूर्ति साहब जो 10 साल से यहां पर MLA हैं वो इस खुशी के मौके पर मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं सर। सर लास्ट दस साल से आप यहाँ के MLA हैं, आज ईद उल फितर है, मुसलमान ईद की खुशी मना रहे हैं, आप भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने की ईदगाह आए हैं, इस खुशी के मौके पर आप मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं? सारे मुसलमान बांधवों को सबको ईद मुबारकबाद दे को, आज रमजान है, सबको मुबारकबाद। तो इस मौके पर इलेक्शन भी करीब है तो जितने भी यहाँ पर हैं आपके वोटर्स हैं तो आप उनको क्या पैगाम दे, व्हाट इज योर मैसेज टू योर वोटर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी सर? हमारा पुलकेश कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं MLA कैंडिडेटों को सीरियल नंबर एक हत्ती का निशान आप सबको सलाम कर को एक नंबर को डालना रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। एक यानी सीरियल नंबर एक आपको अलर्ट हुआ है तो आप इलेक्टेड MLA हो गए तो आप क्या वादा करना चाहते हैं मुसलमानों से? पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुसलमानों का उससे एजुकेशन पहले मेरा काम, एजुकेशन देना और जरा काम दिलाना और हमारा एरिया डेवलपमेंट करना कर कोशिश कर रहा है और पानी का बहुत प्रॉब्लम है वो रोज देने का कोशिश करके रेडी कर रख देता हूँ। नाजरीन MLA आर अखंड मुझे ईद के मौके पर आप तमाम से वादा कर रहे हैं अगर इस बार भी वो MLA मुंतखब हो गए तो मुसलमानों की तालीम और इस इलाके में पीने का पानी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा कर रहे हैं। एक नंबर।